नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम खेल ग्रहों का। मैं आज हम बात कर रहे हैं शुक्र सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं 16 अगस्त से 9 सितंबर 2019 तक, उसके बारे में प्रत्येक राशि को क्या प्रभाव मिलने जाता है, क्या शुभ मिलने वाला है और क्या अशुभ मिलने वाला है, किसको किस क्षेत्र में ज़्यादा कुछ सुख मिलने वाला है या किसी को किस क्षेत्र में सुख में कमी होने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र को सभी नवग्रहों में बेहद शुभ ग्रह की उपाधि दी गई है। शुक्र ग्रह विशेष रूप से वृषभ और तुला राशि का स्वामी है। इसके साथ में इस ग्रह को मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में निम्न प्रभाव वाला माना जाता है। कुंडली में शुक्र के प्रभाव से जातक को सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इस ग्रह के प्रभाव में आने वाले जातक विशेष रूप से चित्रकारी, डांस, सिनेमा, आर्ट, कोई कोई क्रिएटिव वर्क, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो ड्रेस डिजाइनिंग हो, चाहे वो ज्वेलरी डिजाइनिंग हो और चाहे वो रंगमंच हो, इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। व्यक्ति की कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है, अर्थात आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा ये विशेष रूप से आपकी राशि में शुक्र की स्थिति पर निर्भर करता है। शुक्र के शुभ प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों को प्राप्त करता है, वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। क्योंकि शुक्र को विवाह का कारक भी कहा जाता है, इसलिए अविवाहित जातकों को, अविवाहित व्यक्तियों को, अर्थात चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का हो या लड़की को, शुक्र की उपासना अवश्य करनी चाहिए। शुक्र देव को भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा साढ़ा नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। नवग्रहों में से बुध ग्रह और शनि देव शुक्र के मित्र ग्रह माने जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र एक राशि में लगभग 23 दिन तक रहते हैं। क्या आपको मालूम है कि शुक्र देव होते हैं असुरों के गुरु? पौराणिक धारणाओं के अनुसार शुक्र देव को असुरों का गुरु माना गया है, अर्थात देव गुरु बृहस्पति हैं तो असुर गुरु शुक्र हैं, और इसीलिए शुक्राचार्य का नाम प्रसिद्ध है क्योंकि असुरों के गुरु हैं, इसलिए इनका एक प्रचलित नाम शुक्राचार्य भी है। शास्त्रों में वर्णन के अनुसार शुक्र श्वेत वर्ण के हैं और घोड़ा, ऊंट या मगरमच्छ इनकी सवारी है। शुक्र देव का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी है, इसलिए हम सभी लोग धन वैभव की कामना के लिए शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार शुक्रदेव महर्षि भृगु के पुत्र हैं और इनको बचपन में भार्गव नाम से भी पुकारा जाता था। इनके प्रभाव से जातकों में कला और सौंदर्य के प्रति रुझान बढ़ता है, इनकी रुचि जागृत होती है। यह जो कार्यक्रम है वो राशि पर आधारित है। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं यह लग्न पर है या राशि पर है, तो फिर मैं एक बार आपको बता देता हूं कि यह जो कार्यक्रम है आपकी राशि अथवा जो मून साइन है वहां से प्रत्येक राशि किस एंगल पर, कितनी डिग्री पर विचरण कर रही है, किस भाव में विचरण कर रही है, उसके अनुसार आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या शुभ या अशुभ फल मिलने वाला है, उसकी गणना गोचर से की जाती है, वो मून साइन पर आधारित है। राशि से फर्स्ट अथवा प्रथम, सेकेंड, द्वितीय, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, इलेवंथ एंड ट्वेल्थ हाउस में शुक्र शुभ फल देते हैं जब वो गोचर में विचरण करते हैं। सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस और टेंथ हाउस में शुक्र अशुभ या सामान्य फल देते हैं। 16 अगस्त से 9 सितंबर 2019 तक शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे, सिंह राशि में विचरण करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्रदेव के इस गोचर का सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। शुक्र आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में गोचर वश आने से संतान से प्यार बढ़ जाएगा, संतान में भी अब पुत्र आदि के जन्म का अवसर प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी और उत्तम प्रकार का खाना पीना मिलेगा, अर्थात आप शौक मौज भी करेंगे, आप अपने जीवन विलासिता को भी प्राप्त करेंगे और जो कुछ भी जीवन स्तर है वो भी आपका एनहांस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अच्छी जगहों पर जाने का सौभाग्य मिलेगा और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो क्लेश है, जो समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, वो एनिमीज़ के कारण है या
ये बोल दीजिए कंपटीशन के कारण है। तो शत्रुओं पर विजय का अर्थ यहाँ पर है कि जो जो भी आपसे द्वेष ईर्ष्या रखते हैं वो शांत हो जाएं, जो जो भी आपके कंपटीटर्स हैं वो आपके काबू में आ जाएं, आपके कंट्रोल में आ जाएं, या आप उन पर ऊपर चढ़ जाएं। एक छोटी लकीर को मिटाने से अच्छा है कि आप उसके सामने बहुत बड़ी लकीर खींच दें ताकि वो आपके आसपास भी फटक ना पाए। तो ये जो टाइम पीरियड है ये आपका ऐसा ही टाइम पीरियड है जब आप शत्रुओं पर, अपने कंपटीटर्स पर, अपने एनिमीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अर्थात उनसे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इस अवधि में आपके अंदर की कला, आपके अंदर का क्रिएशन लोगों के सामने आ सकता है, आपको नई नई चीज़ें सीखने का इस दौरान आपका मन लगेगा, अवसर भी मिलेगा, आपके यश की वृद्धि होगी इस समय काल में। और विशेषकर जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके लिए शुक्र का यह गोचर बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा फलदायी है। और जो भी व्यक्ति, जो भी जातक अपने जो विभाग है उसके एग्ज़ाम, ठीक जिसको आम भाषा में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बोलते हैं, यदि वो एग्ज़ाम देने वाला है तो उसमें उसको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। जो व्यक्ति नौकरी पेशा जिंदगी से जुड़े हुए हैं, उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको भी इस दौरान कमाई के नए साधन मिल सकते हैं, अर्थात आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम है वो डेवलप हो सकते हैं, नए साधन से आपको आमदनी मिल सकती है, चाहे वो एक्स्ट्रा काम से हो सकता है, चाहे वो पार्ट टाइम से हो सकता है, चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट से होता है, या आप अपनी मेहनत से और कोई सेक्टर डेवलप कर सकते हैं जिससे आपकी आमदनी बढ़ जाए। विवाहित और प्रेमी जातकों के लिए समय अनुकूल है। अपने साथी के साथ में किसी यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ठीक, जो भी प्रेमी प्रेमिका है उनके संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। शादीशुदा लोगों के पार्टनर को शुक्र के इस दौरान ज़्यादा फायदा मिलेगा, अर्थात आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब, घूमने फिरने, आउटिंग आदि में अधिक जाना आना उनका लगा रहेगा। और यूँ भी ये समय जहाँ तक वो तीर्थ यात्राओं पर जाने का या घूमने फिरने का, आउटिंग में जाने का ही है, तो आपको इस समय का फ़ायदा मिल सकता है। हालांकि अपने बच्चों के स्वास्थ्य का इस अवधि में आपको ध्यान रखना होगा। घर के किसी बड़े सदस्य से इस दौरान आप अपने जीवन में आ रही किसी बहुत बड़ी परेशानी का हल जानने की कोशिश कर सकते हैं और उसका सही समाधान आपको उनके द्वारा मिल सकता है। जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपको राह दिखा सकता है, आपका मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अब बात आती है उपायों की। तो ये जो समस्या है या जो अच्छा है आपको मिलने वाला है उसमें यदि आप और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं। विशेष लाभ के लिए इस दौरान शुक्र का मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र का जाप करें। जब भी समय मिले तब भी मंत्र जाप कर सकते हैं। जाप करने के लिए, भक्ति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। जब आपको समय मिले, जब आपका मन हो तब आप कर सकते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को इस मंत्र जाप से फायदा होगा तो अपने आप ही वो अपने नियमित क्रम में उसको डाल देगा, अतः रेगुलर मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देगा। आइए अब बात करते हैं सेकंड राशि अर्थात वृष राशि की। शुक्र आपकी राशि से फोर्थ हाउस में गोचर वश आने से, अर्थात ये जो 16 अगस्त है वहाँ से आरंभ होगा, और उस वजह से, उनके आने से आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होगी और धन की प्राप्ति होगी, अर्थात इनकम में इम्प्रूवमेंट आएगा। कहीं से पैसा अगर बकाया है वो आपको मिल सकता है, ठीक, आपने किसी को पैसा दिया हुआ है वो यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहा है काफ़ी समय से और आप इस समय काल में एफर्ट करेंगे तो वो पैसा आपको मिल सकता है जो आपकी मेहनत का है, जो आपका अपना है। वैभव विलास की सामग्री अर्थात जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो दो पहिया वाहन हो चाहे वो चार पहिया वाहन हो, उसकी प्राप्ति संभव है। सगे संबंधियों से सहायता प्राप्त होगी। जनता से संपर्क तथा स्नेह प्रेम बढ़ेगा। जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी राजनीति में काम कर रहे हैं, जो भी सामाजिक स्तर में काम कर रहे हैं अथवा सोशल लाइफ में हैं, उनको इस समय बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल सकता है, उनका नेम फेम बढ़ सकता है। शरीर तथा मन में मनुष्य विशेष बल ताकत की अनुभूति करेगा, अर्थात आप दो ढंग से एनर्जाइज महसूस करते हैं, एक होता है फिजिकली और एक होता है मेंटली, अर्थात मन से। जब मन में कोई आदमी ठान ले और शरीर साथ नहीं दे तब भी वो काम नहीं कर पाता है, और शरीर साथ दे लेकिन मन साथ नहीं दे तब भी वो काम नहीं कर पाएगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। इसमें शरीर और मन दोनों ही आपको कंसंट्रेट करेंगे, कोई आपको टारगेट अचीव करने के लिए आपको फोकस कर देंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट और प्रोग्रेस के लिए। आपको पारिवारिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर घर के किसी सदस्य
से अनबन की स्थिति बनी हुई है तो भी इस गोचर के चलते यह स्थिति सुधर जाएगी और घर में खुशहाली आ जाएगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोग अपनी रचनात्मकता, अपना क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी का पूरा इस्तेमाल कार्यक्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में कर पाएंगे और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। आपके कैरियर में इस दौरान उछाल देखने को मिल सकती है और आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप निजी जीवन और व्यावसायिक जीवन के बीच में संतुलन बना के चलें। सब कुछ आपका बिजनेस ही नहीं है, आपकी अपनी लाइफ, आपके अपने बच्चे, पत्नी या घर में जो माँ बाप है, भाई बहन, उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको भी आपने निभा कर ही चलना है। आपकी माता जी को इस दौरान राहत मिलेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिससे आपको भी शांति मिलेगी। अतः पूर्व समय में जो समस्या आ रही थी आपकी मदर के स्वास्थ्य को लेकर के, वो इस दौरान ठीक होने वाली है या कंट्रोल होने वाली है। आपके जीवन साथी के साथ में अच्छा वक्त बिताने का मौका, जो कुछ भी क्वालिटी टाइम बोलते हैं, वो इस अवधि में आपको मिल सकता है। आमोद प्रमोद के स्थानों अर्थात जो भी हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट के साधन, आज के समय में सिनेमा है, आज के समय में आप घूमने फिरने जा सकते हैं, आज के समय में जो भी आप सोशल लाइफ में आप कहीं मिल सकते हैं, गेट टुगेदर में जा सकते हैं, वो आपका इस समय अधिक आना जाना रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अनुकूल है, आपको अपने विषय के गूढ़ रहस्यों को जानने में इस दौरान आनंद आएगा और आपका मन लगेगा और आप उस जो जानना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत गूढ़ है, जो आपके लिए बहुत रहस्य है, वो आप जान पाएंगे, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब जो अच्छा है उसको और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको चंदन, चमेली या फिर गुलाब की खुशबू अर्थात उस फ्रेग्रेंस वाले इत्र का रोज़ इस्तेमाल करना है। वो इत्र हो सकता है, परफ्यूम हो सकता है, सेंट हो सकता है, किसी और ढंग से भी हो सकता है। बहुत से लोगों को सेंट से या इत्र से एलर्जी होती है, वो उन खुशबू का, उस फ्रेग्रेंस का कोई ना कोई और साधन इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगरबत्ती के ढंग से वो करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि का। शुक्र आपकी राशि से थर्ड हाउस में आने वाले हैं 16 अगस्त से और इस गोचर के प्रभाव से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी और शत्रुओं की संख्या में कमी आ जाएगी, अतः शत्रुओं की पराजय होगी। इनकम की प्राप्ति होगी तो साथ ही साथ फाइनेंस स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और उन दोनों वजहों से आपके कॉन्फिडेंस में, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके एनर्जी लेवल बदल जाएगा, आपके सोचने समझने का तरीका है वो बदल जाएगा। जो भी सर्वेंट्स है, जिसको अपन आम भाषा में नौकर चाकर बोलते हैं, उसका सुख मिलेगा और ये सुख आज के युग में बहुत बड़ा है। लोगों की समस्या जितनी अपने सर्विस की नहीं है, जितनी बिजनेस की नहीं है, उससे ज़्यादा समस्या है आजकल नौकरों की है। ठीक, लोग आते हैं अपने कंसल्टेंसी को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम को लेकर के, उसमें एक पॉइंट और भी रहता है कि मेरा स्टाफ नहीं टिकता है या मेरे घर में नौकर नहीं टिकते हैं, मैं क्या करूँ। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है जो आपके जीवन में नहीं है, अर्थात आपको नौकर चौकर का सुख मिलेगा, आपको जो भी फैसिलिटीज चाहिए, जो भी सुख साधन चाहिए, वो आपको आसानी से मिल पाएंगे और मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाग्य का उदय होगा। भाग्य का उदय होना अपने आप में बहुत बड़ी एक प्रकार से उपलब्धि है। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, जीवन भर एफर्ट करते रहते हैं, लेकिन उनका भाग्योदय हो नहीं पाता या भाग्य का उनको पूरा फल नहीं मिल पाता है। तो भाग्य का उदय होना बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि आपको मिलने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपकी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, आपको गवर्नमेंट की कृपा मिल सकती है। कृपा का मतलब यहाँ पर कोई अवार्ड रिवार्ड से नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आपको राहत मिल सकती है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई कोर्ट केस से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई ना कोई पनिशमेंट से रिलेटेड हो, उससे आपको राहत मिल सकती है। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा, इसके साथ ही साथ अध्यात्म, स्पिरिचुअल लाइन और धर्म संस्कार में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अर्थात चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो मंत्र तंत्र यंत्र हो, या चाहे वो और किसी ढंग से स्पिरिचुअल लाइन से रिलेटेड, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो किसी गेट टुगेदर में जाकर के अपनी बात डिस्कस करनी हो, या चाहे कोई न कोई आपके अपने शहर में कोई ऐसा आयोजन होने वाला है जहाँ पे एक भागवत कथा होने वाली है, चाहे आप उस ठीक जो आयोजन मंडल है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आपका नाम उसमें आ सकता है, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। शुक्र देव का गोचर आपकी राशि से थर्ड हाउस में हो रहा है, इस भाव में शुक्र के गोचर के चलते आपको छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है
और यात्राओं के दौरान कुछ रचनात्मक, कुछ क्रिएटिव लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको कुछ नए अनुभव मिलेंगे, आप अपने अनुभव शेयर करेंगे और कुछ न कुछ आइडियाज़ आपको मिल पाएंगे अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को नेक्स्ट लेवल की सक्सेस पे ले जाने के लिए। आप प्रेम रोमांस की स्थिति पढ़ सकते हैं, उन मामलों में आप उलझ सकते हैं। और इस राशि कुछ जातक जो पहले से ही अटैचमेंट में है, पहले से ही अफेयर में है, पहले से ही किसी अटैचमेंट के दौरान है, तो वे अपने पार्टनर से शादी के बंधन में भी बन सकते हैं और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत ही बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप जिसके साथ में प्रेम प्रसंग में हैं, आप जिसको बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, जिसको पहचानते हैं और जिसको आप बहुत अच्छे ढंग से दोस्त बने हुए हैं, उसी को जीवन साथी बना सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती और ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें यदि आपके परिजन, आपके माता पिता, आपके घर वालों की रजामंदी हो तो इस स्थिति को सोने पे सुहागा बोल सकते हैं। सामाजिक जीवन इस समय बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने यार दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे और इस समय कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, कहीं आउटिंग पे जाने का प्लान बना सकते हैं, कहीं ट्रैकिंग पे जाने का प्लान बना सकते हैं या अकेले ही अपनी बाइक या कार लेकर के निकल सकते हैं। भाई बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे और आप हर स्थिति में उनकी सहायता करेंगे। समटाइम्स ये होता है कि आप चाहते हैं उनकी सहायता करना लेकिन वो एटीट्यूड में रहते हैं, वो आपसे कुछ भी मदद नहीं मांगते, तो ऐसी स्थिति में संबंध सामान्य है फिर भी आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनकी मदद करेंगे क्योंकि आपके इस समय ऐसा गोचर प्रसाद योग आने वाला है। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, आप अपने जीवन साथी को भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने में सफल होंगे और इस दौरान आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के भी प्रयास करते नजर आएंगे, तो यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो शुक्र आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर वश आने वाला है और इस शुक्र के राशि परिवर्तन से आपको धन की बार बार प्राप्ति होगी, अर्थात आप कंटिन्यूशन में फाइनेंशियल गेन करेंगे, कंटिन्यूशन में आपकी इनकम और इम्प्रूव होगी या आपको स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से, कमोडिटी से बार बार गेन होगा इस गोचर काल में। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, अर्थात शरीर स्वस्थ रहेगा, उत्तम दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति का भी यही समय है, अर्थात आपकी धर्मपत्नी प्रेग्नेंट है, संतान प्राप्ति का समय है, तो ये गोचर वसाद, यह जो समय चल रहा है इसमें आपको संतान की प्राप्ति होना तय है। और यदि आप संतान प्लान करना चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है कि आप सोच रहे थे कि मैं संतान कब प्लान करूं, तब ये समय आपके लिए उपयुक्त है, आपने संतान प्राप्ति के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए। राज्य की ओर से आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आप सिंगिंग में या गायन में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, शत्रुओं का नाश होगा या शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी, आपकी वाणी में मिठास आएगी और लोगों को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी। शरीर के सौंदर्य में भी निखार आएगा, अर्थात जो लड़कियां हैं वो और ब्यूटीफुल लगेंगी और जो भी जेंट्स हैं वो और स्मार्ट और हैंडसम दिखाई देंगे। ऐसे समय में नए नए कपड़े तथा जेम्स एंड ज्वेलरी खरीदने का, धारण करने का यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय में यह योग आपको यह सब सामग्री दिलवाने वाला है। तो इस अवधि में आप पारिवारिक समारोह में हिस्सा ले सकते हैं जहां बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न महसूस करेंगे, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव महसूस करेंगे या आपको रेस्पॉन्ड VIP जैसा मिलेगा। आर्थिक पक्ष भी आपके लिए अच्छा है और दूसरे राज्यों में आपकी प्रॉपर्टी यदि है तो इस दौरान आपको उसका अच्छा फायदा मिल सकता है। यदि आप बेचना चाहते हैं तो अच्छा फायदा मिल सकता है और यदि प्रॉपर्टी को रेंट पर डालना चाहते हैं तब भी उससे आपका गेन में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। जो लोग अभी तक आर्थिक तंगी का शिकार थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल वरीज से, फाइनेंशियल क्रंच से परेशान थे, उन्हें भी इस दौरान पैसा इकट्ठा कर पाने में सफलता मिलेगी और धन की बार बार प्राप्ति होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। स्टूडेंट्स को शिक्षा में पॉजिटिव और संतोषप्रद, मतलब सेटिस्फाइड रिजल्ट मिलेंगे, स्टडी फील्ड में इनको सक्सेस मिलेगी और कोई कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग मैरिड हैं, विवाह के बंधन में बंध चुके हैं इस राशि के जातकों को इस दौरान अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, वो मानसिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर सकते हैं, अर्थात ये आपके लिए अवेयरनेस का इन्फॉर्मेशन है।
आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। शुक्र आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में अर्थात लग्न में ही आने से सुख और धन की प्राप्ति होगी तथा ज्ञात और अज्ञात जिनको आप जानते वो शत्रु हैं, बहुत से शत्रु होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं उनको अज्ञात शत्रु बोलते हैं। अतः जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं लेकिन आपके सामने नहीं आते, ऐसे लोगों को अज्ञात शत्रु बोला जाता है। अर्थात जो सामने नहीं आते भीतर ही भीतर आपको परेशान करेंगे, कुछ न कुछ सरकमटेंसेस पैदा करेंगे जिससे आप परेशान हों, तो उनका भी नाश होगा अर्थात वो भी शांत होंगे। शत्रुओं का नाश करने का मतलब यहाँ गोलीबारी करने से नहीं है, यहाँ पर सिचुएशन से है जिनसे आपकी शत्रुता की जो भावना है वो अगर ठीक हो जाती है, उनका ध्यान डाइवर्ट होकर के कहीं और चला जाता है तो आपके लिए राहत है। परंतु इसी समय काल में आप स्वयं कुछ दुराचार भी कर सकते हैं या करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने करैक्टर को संभालिए, अपने आप को कंट्रोल करिए, क्योंकि आपने जो जिंदगी भर की आपने पूंजी अपना जो कुछ भी गेन किया हुआ है अपना नेम फेम वो एक आपके छोटी सी गलती से सर्वनाश में बदल सकता है। आपका खुद का जो कमाया हुआ पुण्य है, आपका खुद का कमाया हुआ नाम है, जो भी आपका प्रोफेशन में गुडविल है वो सब कुछ आपकी खराब हो सकती है। आप एक सेकंड में डीफेम हो सकते हैं और एक छोटी सी अनुभूति, छोटी सी प्रसन्नता, छोटा सा अपना आमोद प्रमोद के लिए अपने कैरियर को खराब मत कीजिए और ना ही अपने पर्सनल लाइफ को, ना ही अपनी मैरिड लाइफ को और ना ही अपने माता पिता के लिए। ऐसा समय आप देखें तो उनको अपमानित महसूस करना पड़े, उनको अपमानित होना पड़े, ऐसा मत कीजिए। ये समय मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आगा आपको रहना है, ध्यान आपको रहना है, सेफ आपने रहना है। हमारा काम सिर्फ मार्गदर्शन करना है, हमारा काम समय से पहले आपको राह दिखाना है, आपको अवेयर करना है। ज्योतिष का भी यही एक सिद्धांत है कि समय से पहले आप जान लें कि आपके साथ में क्या होने वाला है। 100% जो मैं बोल रहा हूँ वही हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। होगा ज़रूर, अब इसमें कितना परसेंट होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है और आपकी गोचर वसात भी शुक्र बहुत पॉजिटिव आने वाला है तब आपको बहुत कुछ गेन हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट जिसको अनएक्सपेक्टेड गेन बोलते हैं वो हो सकता है। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है और गोचर में नेगेटिव है तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा झटका आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि आपकी कुंडली में शुक्र भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी शुक्र गोचर में नेगेटिव आ गया तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। इसलिए समय रहते, समय का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक वर्ष में एक बार अपनी कुंडली कोई भी एक्सपर्ट को दिखा दीजिए ताकि आने वाले समय के बारे में आपको जानकारी हासिल हो सके। जो भी छोटी से छोटी बात है या कोई मेजर चीज़ आप करने वाले हैं उसके बारे में आप डिस्कस कर लीजिए, या एक सिद्धांत अपना लीजिए कि जब भी आपका बर्थडे आता है उसके आसपास आपने एक प्रकार से अपना मेडिकल चेकअप भी करा लेना है, तो कोई न कोई एस्ट्रोलॉजर से भी मिल करके अपनी सारी डिटेल जान लेनी है। इस समय काल में शुक्रदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी, भौतिक सुख सुविधाओं के कारण यह शुक्र आपको लाभ पहुँचाएंगे। प्रेम में पड़े हुए इस राशि के जातकों को भी इस समय अच्छे फल मिलेंगे और दिल में छुपे हुए प्यार को आप शब्दों का सहारा लेकर के व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात आप उनके सामने इजहार कर सकते हैं, अपनी चाहत बता सकते हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक जवाब मिलने के पूरे आसार हैं। विवाह और संतान जन्म का अवसर आएगा, सब प्रकार के आपको फैसिलिटीज, सब प्रकार के आपको सुख साधन, आमोद प्रमोद और वैभव विलास प्राप्त होंगे। शादीशुदा लोग अपने प्रियतम के साथ इस समय समय निकाल पाएंगे, क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे, आपके बीच रोमांस की अधिकता अर्थात अधिक मधुरता देखने को मिलेगी। आपके जीवन साथी की कार्य क्षेत्र में पदोन्नति अर्थात प्रमोशन हो सकता है, आपके कैरियर में, आपके कार्य क्षेत्र में अर्थात जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके ऑफिसर्स, आपसे ऊपर की पोस्ट वाले आपके काम से खुश होंगे और आपकी सहायता करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए अच्छी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे जिसको पीआर बोलते हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, जो लोग भी बिजनेसमैन हैं व्यापार में वृद्धि होगी, और जो लोग जलीय पदार्थों अर्थात जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, अतः चाहे वो शराब से रिलेटेड काम करते हैं, चाहे वो परफ्यूम से रिलेटेड काम करते हैं, या वाटर बेस्ड जो काम करते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का काम करें या मिनरल वाटर का काम करें, उनको भी इस समय में गेन होगा। और जो सुगंधित द्रव्यों अर्थात सेंट और परफ्यूम का काम करते हैं, फैंसी गुड्स का काम करते हैं, शुक्र की पूरी रेंज है, ठीक, वो आप समझ लीजिए, फैशन एंड कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एग्जीबिशंस,
एंटिक, हैंडीक्राफ्ट, ब्यूटी पार्लर से रिलेटेड और श्रृंगार प्रसाधन में जो भी आता है, शो बिजनेस में जो भी आता है, वो सब के सब शुक्र के कार्य हैं। वो यदि कोई आप जातक कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होने वाली है, आपको फाइनेंशियल गेन होने वाला है। विद्या अध्ययन में अर्थात जो एजुकेशन है उसमें सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट ही स्टूडेंट शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अपने मित्रों के साथ में मिलकर जिसको ग्रुप स्टडी करते हैं, आप किसी विषय का गूढ़ अध्ययन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ जो सत्य है, जो सत्यता है, उसकी ओर आपका झुकाव बढ़ जाएगा। अर्थात जो आपने बोलना है वो सही ही बोलना है, सच ही बोलना है और ये अच्छी बात है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र आपकी राशि से ट्वेल्थ हाउस में, जब भी शुक्र गोचरवश ट्वेल्थ हाउस में आता है तो जातक को फ्रेंड्स, धन या भोग विलास से सुगंधित पदार्थों की प्राप्ति होती है। अर्थात जो कुछ भी उसको गिफ्ट में मिलेगा वो भी सेंट और परफ्यूम मिलेगा, जो कुछ भी सुख सुविधाएं उसको प्राप्त होगी वो भी क्वालिटी वाली आपको प्राप्त होगी, ब्रांडेड थिंग्स, ब्रांडेड चीज़ें आपको प्राप्त होगी। फिर भी जातक का धन बढ़ता है, इतना एक्सपेंसेस करने के बावजूद भी आपका पैसा बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ या आपके सेविंग सर्टिफिकेट हो चाहे वो बॉन्ड्स हो, उनकी संख्या में इन्हांस आएगा, वो स्थिति बढ़ेगी। उसको कपड़ों के सामान की फिर भी हानि उठानी पड़ती है, अर्थात कहीं न कहीं यात्राओं में या तो सामान खोएगा और या फिर एग्जाम्पल के तौर पर है, आपने ड्राई क्लीनिंग में कपड़े दिए, वहाँ से चोरी हो गए कपड़े, वो नहीं मिले, आपने प्रेस में कपड़े दिए या आपने सुखाए कपड़े अपने घर की छत पे बालकनी में जहाँ भी और वो उड़ गए, ऐसी स्थिति में जो कुछ भी नुकसान होगा इस समय काल में वो सिर्फ और सिर्फ ड्रेसिंग का होगा, अर्थात कपड़ों का नुकसान होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस भाव में शुक्र के गोचर से आपके खर्चों का इजाफा हो सकता है, खर्चों में आपकी वृद्धि हो सकती है, इस समय आपको अपना बजट प्लान करने की ज़रूरत है। इस राशि के कुछ जातक को विदेश यात्रा पर भी ले जाया जा सकता है, अर्थात यह जो समय काल है विदेश यात्रा पर भी आपको ले जा सकता है, आपकी जो कामना है विदेश यात्रा की वो पूरी हो सकती है। जो फैसिलिटीज़ है, लग्जरियस लाइफ है, विलासितापूर्ण जीवन है, उसको जीने की आपकी चाह पूरी हो सकती है। इस समय काल में शुक्र का प्रभाव आपके अंदर वासनापूर्ण विचार ला सकता है, ऐसे समय में खुद पर संयम रखें। सेहत को दुरुस्त करने के लिए केवल प्लान बनाना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ योगा मैट लिया है, टी शर्ट आप लिया है, जूते आए आपने खरीद लिए, ठीक आप ट्रैक सूट खरीद लिया, उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। हेल्थ अच्छी रखने के लिए इनको इस प्लान को लागू भी करना पड़ेगा और दोनों में से एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, वो उसको हर हालत में जगा करके उसको भेजे और यदि खुद साथ में जा सके उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो आपने सब प्लान नहीं बनाना है, उस पर अमल भी करना है। इस राशि के कुछ जातकों को विपरीत लिंग अर्थात अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन भी आ सकता है, आकर्षित भी हो सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्थिति उस समय क्या है, आपने अपने ऊपर संयम रखना है जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि के। शुक्र आपकी राशि से 11th हाउस में, जो कि सबसे अच्छी स्थिति होती है, शुक्र की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है और हर ग्रह 11th हाउस में आकर के अपना बेस्ट ही देता है, तो इस भाव में गोचर वश शुक्र आने से धन की वृद्धि होगी, एक प्रकार से धन की बारिश होगी। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूँ धन की बारिश होगी, अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन होगा, जो आप सोच नहीं सकते उतना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। आपने सिर्फ आँखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं और सही समय पर सही जगह पर होना है और ऐसे ही स्थितियों से आपका गौरव, आपका प्रताप अर्थात आपकी गुडविल, आपका नेम और स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। सभी कार्यों में सरलता से सफलता मिलेगी, शानदार खाने पीने की प्राप्ति होगी, अर्थात बहुत अच्छी होटल में, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छे एनवायरमेंट में आपका डिनर होगा, आपकी अच्छी लोगों से मुलाकात होगी, दाम्पत्य संबंधी सुखों में वृद्धि होगी। जो अपोजिट लिंग हैं उन जातकों से गहरी दोस्ती होगी और इस दोस्ती के कारण आप प्रसन्नता अनुभव करेंगे, अपने आप को बहुत चेयरफुल रखेंगे, अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में आपका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा और शुक्र के इस गोचर से आपकी अतिरिक्त आमदनी, एक्स्ट्रा इनकम में भी इजाफा हो सकता है, चाहे वो स्पेकुलेशन से हो,
चाहे वो आपके पार्ट टाइम से हो, चाहे वो कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट से हो, और चाहे वो किसी न किसी कंसल्टेंसी से हो सकता है। अब ये आपको देखना है कि आपके पास आमदनी के जरिए क्या हैं। मैं आपको किसी भी संबंध में रिश्वत से रिलेटेड, कोई भी नेगेटिव काम से रिलेटेड, अंडर टेबल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करना चाहता, या आपको समझना भी नहीं है कि जो कि मैं समाज के हित या कानून के विपरीत बात कर रहा हूँ, ठीक, जिसमें समाज का भी हित होना चाहिए और कानून का भी हित होना चाहिए, हमारे देश हित को सर्वोपरि रखते हुए आपने काम करना है। इसलिए गलत आदतों में नहीं पड़िए, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, आपका पूरा कैरियर बर्बाद कर सकती है। इसलिए कोई बात नहीं, जो है उसमें गुजारा कीजिए और खुश रहिए। आपकी कोई ठीक कोई महिला मित्र इस दौरान आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, अर्थात आपको मुसीबत में से निकाल भी सकती है या एग्जैक्ट टाइम पर आपको सपोर्ट कर सकती है। भाग्य के साथ भी आपके कई बिगड़ते काम भी इस दौरान बन जाएंगे, अर्थात भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपकी कोई दिली मुराद, जो कि कोई सपना आपने देख रखा है, बहुत अंदर से चाहत है कि मेरी ये पूरी होनी चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है, वो आपको सक्सेस मिल सकती है, चाहे कोई बहुत बड़ी गाड़ी है, चाहे कोई बहुत अच्छी नौकरी है, या बहुत अच्छी कोई फ्रेंडशिप है। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, लेकिन इससे आप दोनों के बीच में दूरी नहीं आएगी। जो भी कार्य क्षेत्र है, अर्थात जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, वर्किंग प्लेटफॉर्म है, उनमें आपका वर्चस्व बढ़ेगा, उनमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और काबिल बन जाएंगे, अर्थात जो आपका हुनर है वो हुनर आपका बढ़ चढ़ करके बोलेगा। दोस्तों के साथ में वक्त बिता करके आप जीवन की कई परेशानियों को भूल सकते हैं, और फ्रेंडशिप से अच्छी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। जबकि आप पास्ट की चीज़ों को बार बार याद करें तो जो खुशी बचपन की खुशी है, जब आप कॉलेज लाइफ में थे या जब आप कोई और सर्विस में थे, वहाँ पे जो फ्रेंड्स बने हुए हैं उनके साथ में पुरानी जो यादें शेयर करना अपने आप में सारे प्रॉब्लम्स को बुझा देता है। जो कारोबार हैं, जो व्यक्ति भी बिजनेसमैन है, तो कारोबारियों के लिए ये समय उत्तम है। इस दौरान आपको कुछ पुरानी योजनाओं से लाभ प्राप्त हो सकता है, अर्थात जो भी आपकी बैक जो चल रही थी, प्रोजेक्ट चल रहे थे, जो कुछ भी आपकी प्लानिंग चल रही थी, जो आपने समय के साथ में साइड में कर दी थी, उससे भी आपको गेन प्राप्त हो सकता है, वो भी आपको कमाई दे सकती है। अगर मन में किसी बात को लेकर के उलझन है तो घर के किसी करीबी से आप इस दौरान बात कर सकते हैं, आपकी उलझन दूर हो सकती है, वो आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपकी उलझन दूर भी कर सकते हैं और आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शुक्र आपकी राशि से 10th है और 10th हाउस में आया हुआ गोचर शुक्र शरीर में पीड़ा देगा, मानसिक चिंता बढ़ाएगा, फाइनेंशियली आपको डैमेज करेगा या एक्सपेंसेस बहुत करा देगा। नौकरी और व्यवसाय में विघ्न आएंगे, अर्थात नौकरी मिलने वाली है तो आपको हाँ बोल करके अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में नहीं आएगा, और यदि आप ऑलरेडी नौकरी पैसा व्यक्ति हैं तो आपकी नौकरी में बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, बार बार आपको नोटिस दिए जाएंगे, बार बार आपको सो कॉज जो नोटिस होते हैं या जो ऑफिस मेमो होते हैं वो बार बार मिल सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। व्यवसाय में भी विघ्न आएंगे, अर्थात बार बार बाधा आएंगी, जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका कैरियर लाइन है, उसमें आपको ऑब्स्टिकल्स आ सकती है। एनिमीज़ की वृद्धि होगी, अर्थात जो भी आपके शत्रु हैं, जो भी कंपटीटर्स हैं, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपसे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको ओवरटेक करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे आपको डाउन करने में। जो भी आप काम करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे, उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, और आपके कुछ काम से, कुछ आपके जो भी आप काम है, जो भी आपका बिजनेस है या आपके जो भी आप काम किए हैं, उनसे जनसाधारण में अर्थात जो समाज में विरोध खड़ा हो सकता है, आपके अगेंस्ट में लोग खड़े हो सकते हैं, इसलिए वो भी आपने ध्यान रखना है कि समाज के ऐज से रिलेटेड कोई भी बिजनेस ना करें। स्त्री वर्ग से अर्थात जो भी घर की औरतें हैं उनसे दुख की प्राप्ति हो सकती है, चाहे वो आपकी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के हो या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के हो, या जो भी आपके घर में बहन है उसको कोई समस्या है, चाहे स्टडी में समस्या है या उनको हेल्थ की समस्या है, उससे आपको परेशानी हो सकती है। आप खुद देखेंगे कि घर की औरतें कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं उनसे, और उनको देख करके आप परेशान हो सकते हैं। संबंधियों से अनबन हो सकती है और गवर्नमेंट की ओर से आपको परेशानी आ सकती है, इसलिए अपने कागज़ पत्र जो कुछ भी है, जो भी अकाउंट्स हैं वो आप सही रखिए, और यदि कोई लाइसेंस है उनकी ड्यू डेट आने वाली है या ड्यू डेट निकल चुकी है तो एक बार पूरी प्लानिंग कर लीजिए, और हमेशा प्लान करके रखना चाहिए, हर माह में इस तारीख को
आपका इस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, लाइसेंस आपका खत्म होने वाला है, कुछ आपको भरना हाउस टैक्स भरना है या फैक्ट्री का कुछ भी भरना है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई टैक्स भरना है, ठीक, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट होते हैं उनके लिए आपको हर साल कुछ ना कुछ भरना पड़ता है, तो वो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आपको कौन से माह में किस तारीख पे क्या करना होता है, तो आप हमेशा उस और अवेयर रह करके विदाउट एनी लॉस आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, इजी गोइंग होकर के आगे चल सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से आप ध्यान रख सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में किसी के साथ में अनबन की स्थिति बन सकती है, जो भी आपके कुलीग हैं, जो भी आपके साथ में काम करते हैं, चाहे वो ऑफिसर हों और चाहे वो आपसे नीचे की पोस्ट पर हों, उनसे विवाद बन सकता है। विवादों को दूर रखने के लिए कम से कम बोलें। यह बात मैंने और भी बहुत बार बोली है, पहले भी कई बार बोली है, इस बार फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जहाँ तक हो सके बोल करके नहीं बताना है। बोल करके अपना गुस्सा निकालने से अच्छा है कि आप इससे जो है कम से कम बोलें और ज़्यादा ज़्यादा करके दिखाएं। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य रहेगा, घर की कोई महिला आपकी परेशानी को दूर कर सकती है। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की अनबन या मनमुटाव हो तो किसी और से साझा नहीं करें। आप अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर से शेयर करें और उसका हल आप दोनों मिल करके निकालें। इस दौरान जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हलचल मच सकती है, लेकिन इसके साथ साथ कोई शुभ समाचार भी मिलने की पूरी संभावनाएं। यदि आप संतान प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो ये शुभ समाचार ये भी हो सकता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, उन्होंने कंसीव कर लिया हो। स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा, इसके बावजूद भी आपको काम के बीच में शरीर को राहत करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए समय निकालना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो आपने श्रद्धा भाव से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करनी है और खीर का प्रसाद चढ़ाना है। अतः इतना सा उपाय करने से जो आपकी समस्याएं हैं उनसे आप राहत प्राप्त कर सकते हैं, उनसे आपको कुछ शांति मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से 9th हाउस में जब गोचर वर्ष आएगा तब आपको शानदार शॉपिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी की प्राप्ति होगी, अर्थात आप जम करके शॉपिंग भी करेंगे, ऑर्नामेंट्स भी खरीदेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और आशा से अधिक, अर्थात जो एक्सपेक्टेशन होगी आपकी उससे ज़्यादा बेटर आपको गेन होगा और कोई चिरस्थायी लाभ भी हो सकता है, अर्थात कोई बहुत अच्छा, ठीक, चाहे प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं, चाहे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको गेन होने की स्थिति, ठीक, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस वाली बात कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे थे और वो बिजनेस जो आप खड़ा नहीं हो पा रहा था या उसके बारे में आपसे प्लानिंग कर रहे थे अल्टीमेटली वो स्टार्ट हो गया, वो वाला लाभ भी आपको इस समय काल में मिल सकता है। गवर्नमेंट की आपको हेल्प मिलेगी, गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिलेगा और घर में मांगलिक धार्मिक उत्सव होंगे, अर्थात घर में मांगलिक काम होंगे, चाहे वो कोई भी, ठीक है, मैरिज फंक्शन को लेकर हो सकता है, संतान प्राप्ति को लेकर के हो सकता है, गोद भराई को लेकर हो सकता है, कोई सगाई संबंध को लेकर के हो सकता है। स्त्री द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, अर्थात शादी से आपके भाग्य में इंप्रूवमेंट आएगा। स्त्री का मतलब है आपकी लाइफ में जो भी स्त्री आए, चाहे आपकी शादी से हो, चाहे कोई फ्रेंड सेक्टर से हो, और मित्रों से आपको लाभ रहेगा, भाइयों से आपको हेल्प मिलेगी तथा उनसे स्नेह अपनत्व प्यार मिलेगा। लंबी यात्रा हो सकती है देश के अंदर और देश के बाहर, अतः फॉरेन ट्रिप भी आपकी लग सकती है और देश में भी लंबी लंबी यात्राएं हो सकती है, बहुत लंबा टूर आपका बन सकता है। शुक्र के इस गोचर काल में आपको अपने जीवन में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, अतः जो भी होगा मिश्रित परिणाम आपको मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, जीवन साथी के साथ में नज़दीकियाँ आप महसूस करेंगे। अगर साझेदारी में कारोबार करते हैं तो विदेशों से इस दौरान आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके प्रति ईमानदार रहेगा और आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए कोई न कोई अच्छा साधन संपन्न व्यक्ति की तरह, अर्थात ये बोल सकते हैं कि उसके आइडियाज़ काम करेंगे, इससे आपको भी फायदा होगा। ठीक, कारोबार या किसी काम के संबंध में आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, यह यात्रा थकाऊ हो सकती है, लंबा ट्रिप हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत पॉजिटिव होंगे, इसके रिजल्ट बहुत शानदार आपको मिलेंगे। अतः जो सोच करके आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा शानदार आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके लिए आपके लाइफ में रोमांटिक लाइफ जिसको बोलते हैं, प्रेम जीवन बोलते हैं, प्रेम प्रलाप बोलते हैं जिसको, वो पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से आपके सामने आएंगे। फ्रेंडशिप आपकी बहुत अच्छे ढंग से चलेगी, अटैचमेंट या जिसको बाउंडनेस बोलते हैं वो आपकी बहुत अच्छे ढंग से डेवलप होगी
और इस दौरान आप अपने संगी साथी के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। सामाजिक गतिविधियों में आपकी शिरकत आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, आपको आपके रेपुटेशन बढ़ेगी, तो आपका सर्कल भी बहुत बड़ा होगा। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अतः फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो और या आपका रुझान इस सेक्टर में है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है एंट्री करने का या कोई प्रोजेक्ट डालने का। स्टूडेंट्स को अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस समय एफर्ट करने की जरूरत है, प्रयास करने की जरूरत है। समय आप निकाल करके थोड़ी थोड़ी देर आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और यों भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो कुछ भी पढ़ा है उसको आंख बंद करके याद करना चाहिए वापस, और रात को सोते समय जो कुछ भी आपने किया है वो वापस आप एकदम रील की तरह देखिए। तब आपको जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो भी आपको याद होगी, और वापस रिकॉल भी होने से अगर थोड़ा बहुत कहीं गैप है तो उसको वापस देख लीजिए, ताकि वो परमानेंट मेमोरी वाली स्थिति में आ जाए। अब बात करते हैं मकर राशि की। शुक्र आपकी राशि से 8th हाउस में आने वाला है, और इस गोचरवश आए हुए शुक्र से धन की प्राप्ति होगी और आपके सुखों में वृद्धि होगी, फैसिलिटीज़ में वृद्धि होगी, आपके समस्त कष्ट दूर होने वाले हैं, और साथ ही साथ भोग विलास की सामग्री में वृद्धि होने वाली है। अर्थात जो हर व्यक्ति चाहता है ज़िंदगी में कि मैं बहुत अच्छे ढंग से रहूं, मेरे घर में ठीक ये भी सामान एसी भी होना चाहिए, मेरे घर में बहुत बड़ी टीवी होनी चाहिए, एलईडी स्क्रीन होनी चाहिए, ठीक है कोई प्रोजेक्टर होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, एक्स वाई जेड बहुत सी चीज़ें हैं, और व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। एक चीज़ मिली नहीं कि उसकी दूसरी की जो लालसा है, कामना है, वो जागृत हो जाती है। तो जो किसी के लिए विलासिता की वस्तु है, जो किसी के लिए लग्जरी है, वो किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ी नीड है, अतः उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता, ये भी बोल सकते हैं। तो आपको भोग विलास की सामग्री में एनहांसमेंट होने वाला है, वृद्धि होने वाली है, आपके कुटुंबियों से अथवा सगे संबंधियों से धन तथा सुख की प्राप्ति होने वाली है। जो कुछ भी आप प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, जो कुछ भी आप काम करने वाले हैं, उसमें पैसों की कमी आपके आड़े नहीं आएगी, अर्थात आपके संबंधियों से, घर वालों से, ससुराल वालों से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलने वाली है, इससे आपका काम बन जाएगा। एजुकेशन में प्रोग्रेस होगी, कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, उसमें भी सक्सेस मिलने वाली है, उसमें भी आपकी जो कामना है वो पूरी होने वाली है, आपका जो कुछ भी एफर्ट है वो एफर्ट सक्सेस में बदलेगा। आपकी शारीरिक परेशानियां जो भी है आप उनका ख्याल रखें, साथ ही साथ जो कुछ भी आमोद प्रमोद के साधन हैं उनमें आपका मन ज़्यादा लग सकता है, जिस वजह से आपको मानसिक तनाव भी हो सकता है, इसलिए उस ओर आपने ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटीज़ को आपने नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। जब आप यात्राओं पर जाएंगे या ट्रैवलिंग पर होंगे तो आप अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, इस समय जितना हो सके खुद को व्यस्त रखें, अर्थात किसी न किसी जो भी आपका पेपर है, चाहे प्रोजेक्ट के पेपर है, चाहे कोई भी बिजनेस के पेपर है, उनमें आप कोई न कोई नया कोई चीज़ निकालें, ठीक है, और इसी दौरान पढ़ने की कोशिश करें, कुछ न कुछ अच्छा पढ़ें जिससे आपका दिमाग फर्टाइल हो, जिससे आपको नए नए आइडियाज़ आ सकें, ठीक है। आप लोगों से कैसे बेहतर ढंग से मिल सकते हैं, बेहतर ढंग से अपना काम निकाल सकते हैं, ठीक, ऐसी मार्केटिंग की बहुत सी किताबें आती है, टाइम मैनेजमेंट की बुक्स आती है, उनको आपने पढ़ना चाहिए। आपके अंदर क्या सीक्रेट है वो आपको पता चले, ऐसी बुक्स पढ़िए जिससे आपकी लाइफ और ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है, ठीक। अगर आपको व्हीकल चलाते हैं इस अवधि में, कोई भी नियम कानून तोड़ने की नहीं सोचें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, अर्थात आपका चालान भी हो सकता है, गाड़ी सीज हो सकती है और आपके ऊपर फाइन लग सकता है, समटाइम्स और इससे ज़्यादा खराब हो सकता है। आर्थिक पक्ष इस दौरान कमज़ोर हो सकता है, यदि आपने सट्टेबाजी करने की कोशिश की, कम्योडिटी में, शेयर मार्केट में आपने इन्वॉल्व होने की कोशिश की, तो आपका पैसा फंस सकता है, आपकी जो कमाई है वो जा सकती है। जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल लाइन की ओर, मेडिटेशन की ओर, एस्ट्रोलॉजी की ओर, पूजा पाठ है उसमें आपका ध्यान आगे बढ़ सकता है, उसमें आपका ध्यान इन्वॉल्व हो सकता है। इस गोचर में आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकते हैं, और किसी कैंप में जाकर के भी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, अपनी शांति खोज सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि का। शुक्र आपकी राशि से 7th हाउस में विचरण करेगा, और इस
शुक्र के गोचर वश आने से अपमानित होने का भय रहेगा, अर्थात कहीं आपकी इंसल्ट हो सकती है, कहीं आप डिफेम हो सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। बड़े परिश्रम से आजीविका का निर्वाह होगा, अर्थात बहुत मुश्किल से आपका काम धंधा चलेगा। फाइनेंशियली बहुत वरीज, फाइनेंशियली बहुत हैक्टिक या बोल क्रंच बोल सकते हैं, वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। अर्थात काम धंधे में जो इनकम है, वो इनकम तो दूर की बात है, खर्चा चलाना मुश्किल हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ किसी किसी जातक को आ सकती है जिसकी कुंडली में शुक्र बहुत वीक है या जिसको दशा बहुत वीक चल रही है, खराब चल रही है, शनि की 7.5 जैसी स्थिति है, उससे आपको अपने कोई भी आसपास के जो भी एक्सपर्ट ज्योतिषी हैं उनसे मिलना चाहिए। और जो बात हो सकती है कि जो भी जननेंद्रिय से रिलेटेड, एब्नॉर्मल पार्ट से रिलेटेड आपको कोई रोग परेशान कर सकता है, कष्ट दे सकता है, स्त्री से विवाद हो सकता है, पत्नी से विवाद रह सकता है, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, और जीवन साथी के रोगी होने की संभावनाएं अधिक है। एक्सटर्नल अफेयर की ओर आदमी ठीक आगे बढ़ सकता है जातक, और उसके कारण अपमान सहन करना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी, डिफेम होना पड़ेगा। इसलिए अपने ऊपर संयम रखें, अपने को कंट्रोल रखें, और जो कुछ भी सामाजिक व्यवस्था है उसमें अपने आप को बनाए रखें। यात्राएं इस समय काल में अधिक करनी पड़ेगी। सप्तम भाव से जातक के जीवन में होने वाली साझेदारियों के बारे में भी पता चलता है, था जो भी उसकी साझे पार्टनरशिप है उनके बारे में भी पता चलता है। यह गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में नई ऊर्जा भर देगा, नए प्राण भर देगा, और इसके साथ अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा समय भी बिताने में कामयाब हो पाएंगे। आपका जीवन साथी इस दौरान बिना कुछ कहे हुए भी आपके मन भावों को, आपके मेंटेलिटी को समझ सकता है। शुक्र के इस गोचर के चलते आपके जीवन में रोमांस की अधिकता रह सकती है। इस राशि के जो लोग प्रेम प्रसंग में पड़े हुए हैं, अफेयर में पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ की शादी की संभावनाएं भी बहुत बलवान है। जिन लोगों की कुंडली में ठीक 7th हाउस में बृहस्पति है या बृहस्पति की दृष्टि है, उन लोगों को इस समय काल में जो कुछ भी वो चाहते हैं, मनपसंद का जीवन साथी उनको मिल सकता है, और शादी के बंधन में वो बन सकते हैं। अतः जो उनकी जो फ्रेंडशिप है, जो उनकी अटैचमेंट है, वो किसी न किसी रिश्ते में बदल सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, अर्थात जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, जो कुछ भी आपकी काम करने की स्थिति है, उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रमोशन मिल सकता है, कोई पोस्ट मिल सकती है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। उस दौरान भी आपका सम्मान बढ़ेगा, नेम फेम बढ़ेगा, आपकी काबिलियत का आपको एक प्रकार से अवार्ड मिलेगा। फैमिली लाइफ को, पारिवारिक जीवन को यदि आप खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी निजी परेशानियों को अपने घर से दूर रखना चाहिए और परिवार के लोगों के साथ में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये इस समय काल में एक प्रकार से बहुत कम, मैं बोलना ज़्यादा है, एक प्रकार से बंद ही हो गया है। जो भी घर में बैठे हैं, एक साथ में अगर खाना भी खा रहे हैं तो भी हर किसी के पास में मोबाइल है, तो एक दूसरे से बात करने का समय बहुत कम है। हस्बैंड वाइफ भी आपस में बहुत कम बात कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की तारीख में। जो लोग मेरे पास समस्या लेकर के आते हैं, उन लोगों के पास में ये है कि इनको टाइम नहीं है मेरी प्रॉब्लम जानने का या मेरी हेल्थ के बारे में पूछने का, सिर्फ अपने फ़ोन में ही बिजी है, या सेम हस्बैंड भी बोल सकता है कि ये सिर्फ अपने फोन में बिजी है। तो ये जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप खुद अपने घर में ऐसा रूल बनाएं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में हम अपने फ़ोन को अपने से दूर रखेंगे, और ये घर के मुखिया होने के नाते, आप हेड होने के नाते, ऐसा कुछ न कुछ कोई न कोई रूल्स ज़रूर बनाएं जिससे आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो सके, हैप्पी हो सके। इस प्रॉब्लम के लिए उपाय क्या कर सकते हैं? शुक्र के हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए हर दिन अर्थात रेगुलर में आपने दुर्गा की पूजा उपासना करनी है। अगर हो सके तो दुर्गा की कोई स्तुति, दुर्गा का कोई मंत्र जाप, या दुर्गा सप्तशती में देवी कवच का पाठ है वो आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफ़ी राहत, काफ़ी स्ट्रेंथ और काफ़ी पॉजिटिवनेस मिलेगी। आइए इस राशि क्रम में आखिरी राशि मीन राशि। एक बात मैं बोल देता हूँ कि ज़्यादातर मीन राशि के व्यक्ति कमेंट बॉक्स में कंप्लेंट बहुत करते हैं कि मीन राशि वाले व्यक्तियों का कभी अच्छा ही नहीं होता, मीन राशि के व्यक्ति हमेशा खराब ही फेस करते रहते हैं, हमको अच्छा नहीं महसूस हुआ। ऐसा नहीं है, हर राशि के ठीक बहुत से लोगों को अच्छा महसूस होगा, लेकिन उसमें से कुछ राशि होगी जो कि नेगेटिव भी होगी, अर्थात उनका समय भी वीक चल रहा होगा, बहुत खराब चल रहा होगा। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग कुछ ही हो सकते हैं।
और जो कुछ भी प्रॉब्लम है, समस्या में है, उसको अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है, सबसे ज़्यादा लगती है, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ही दुखी हैं। अपनी ज़िंदगी में जो पॉजिटिवनेस है उसको देखिए, उसको पहचानिए। हो सकता है जो आपके पास में दूसरों के पास में वो नहीं हो। तो आईने में खड़े होकर के जब आप अपने को देखेंगे तो आपके पास में भी करोड़ों का शरीर है। तो उस पर फख्र कर सकते हैं, उस पर प्राउड कर सकते हैं कि आपके पास में एक अच्छी फिजिकल बॉडी है जिसके लिए लोग तरसते हैं। लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उनको बहुत बड़ी बीमारी है, लाइफ का आखिरी फेज चल रहा है, कम से कम आपके पास में तो वो नहीं है। तो जो अच्छा है उसको एंजॉय करिए और जो आज है उसको एंजॉय करिए। कल को सोच सोच करके क्यों परेशान करें? ठीक, हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एक श्लोक लिखा हुआ है, सिंपल वे में आप समझिए, गतम ने सोचा मैं, कृतम ने मन्नी। जो बीत गया है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है और आगे जो करना है उसके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं एक दिन काम करूँगा तो बहुत अच्छा काम करूँगा, भाई आप कब स्टार्ट करोगे, कब अच्छा होगा? जस्ट स्टार्ट करिए, अच्छा वो अपने आप हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से सीख है, यदि आप मान सकें तो बहुत अच्छा है। ठीक, आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा और हमारा कहना सफल हो जाएगा। आइए बात करते हैं मीन राशि की। शुक्र आपकी राशि से सिक्स्थ हाउस में गोचर वश आने से शत्रुओं की वृद्धि हो जाएगी और साथ ही साथ उन शत्रुओं पर आपको विजय करना भारी पड़ जाएगा, या ये मैं बोल सकता हूँ कि आपको उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि यदि कोई चीज़ का समझौता करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो हमेशा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ मोड पर रखना ज़्यादा सही है। मैं आपको देख लूँगा, मैंने कोर्ट केस कर देना है, सी यू इन द कोर्ट, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ाएगी। एक बार कोर्ट केस करना आसान है, उसमें दोनों पार्टी, जो जीतता है वो भी हारता है, जो हारता है वो तो हारता ही है, अतः फ़ायदा किसी का नहीं होता। अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लॉसेज में ही दोनों लोग आते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके कोर्ट कचहरी में विवाद को बढ़ाने के चक्कर में मत पड़िए। साझेदारों से व्यापार संबंधी झगड़ा हो सकता है, यात्राओं से और दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है। आपका जीवन साथी आपसे विमुख हो सकता है, अर्थात अनबन हो सकती है, उनसे कहासुनी हो सकती है। तो आपको अपने आप को शांत रखना है इस समय काल में। आपको जीवन के हर क्षेत्र में अधिक मेहनत करने से ही जो आप चाहते हैं वो सक्सेस मिलेगी। ये ध्यान रखना है कि इजी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अपनी मेहनत और लगन पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें महिलाओं से बहसबाजी करने से बचना है। इससे यदि आपने ध्यान नहीं रखा तो आपकी छवि धूमिल हो सकती है, अर्थात आपकी जो ठीक छवि आपने बनाई हुई है, आपका जो फेम आपने बनाया हुआ है वो धूमिल हो सकता है, आपकी इज्जत खराब हो सकती है। वाहन चलाते समय इस दौरान आपने सतर्क रहना है और बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। और हमेशा ये ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें। और जो लोग मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी जान से ना खेलें, क्योंकि आपके घर में आपके माता पिता आपकी राह देखते हैं और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे, सबसे ज़्यादा उनके ऊपर ही आपका प्रभाव है। और यदि आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे ज़्यादा वो ही नुकसान झेलेंगे, वो ही कष्ट झेलेंगे। यह बात ध्यान रखें। घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, ये आप हमेशा अपने दिमाग में चलाते रहें। इस राशि के स्टूडेंट्स को इस समय अवधि में अच्छे फल मिलेंगे, मन में शांति रहेगी और स्टडी आप पूरी कर पाएंगे। और यदि आप घर से बाहर रह करके, घर से दूर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको समय समय पर घर की याद सता सकती है। इस सिचुएशन से आप निकलने के लिए अपने आप को मेडिटेशन पे ले जाइए। जो कुछ आपने फैमिली के साथ में अच्छे पल बिताए हैं, उन पलों को, उस समय को, उन यादों को वापस रिकॉल कीजिए। आपका अकेलापन, आपकी जो याद है वो वापस अच्छी हो जाएगी, मतलब आपका एटमॉस्फेयर या आपकी स्ट्रेंथ वापस लौट पाएगी। आपको आलसपन अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अर्थात ये अपने ध्यान जरूर रखना है कि एक तो भूख और एक नींद, यदि इन दो पर ये कोई भी व्यक्ति काबू कर पाए उसको ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनने से कोई भी कंडीशन रोक नहीं सकती। खुद को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें या योग कर सकते हैं। अकेलेपन दूर करने के लिए आप नए नए मित्र बनाइए। विशेष लाभ के लिए अर्थात उपाय के लिए मीन राशि वाले क्या कर सकते हैं कि शुक्रवार को घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। जो घर में रहते हैं वो श्री यंत्र की स्थापना करें, और जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सरस्वती का मंत्र जाप करें या दुर्गा का मंत्र जाप करें। और बहुत छोटा सा मंत्र है दुर्गा नवरण मंत्र, एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, सिर्फ 9 अक्षर का ही मंत्र है,
इस अक्षर का आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, उससे आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत स्ट्रेंथ महसूस करेंगे और बहुत कंसंट्रेशन महसूस करेंगे। आइए अब बात करते हैं उपायों की, कि जो कुछ भी व्यक्ति, किसी को खराब मैंने बताया, किसी को मैंने बहुत अच्छा बताया, तो शुक्र के उपाय करके आप राहत ले सकते हैं। तो शुक्र के उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो शुक्र का एक यंत्र, शुक्र का ही रत्न, अर्थात चाहे अमेरिकन डायमंड हो, और यदि आप सक्षम हैं तो हीरा उसमें जड़वा करके पहन सकते हैं। हर शुक्रवार को शाम के वक्त सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान करें, चाहे खीर का दान करें, चाहे बर्फ़ी का दान करें, आइसक्रीम का दान करें। हर शुक्रवार की रात में आपने डिनर में खीर जरूर बनानी, लक्ष्मी को भोग लगा करके आपने अपने सब परिवार वालों के साथ में ग्रहण करनी है। घर में दुर्गा की पूजा उपासना करने का नियम बना लीजिए कि रोजाना घर में कोई भी सदस्य, चाहे वो आपके पति हैं, चाहे बच्चा है, चाहे लड़की है, कोई भी है, वो दुर्गा की आरती, दुर्गा की पूजा या मंत्र जाप जरूर करें। आपको कोई भी समस्या है, चाहे वो रोग से संबंधित है, चाहे व्यापार से संबंधित है, नौकरी से रिलेटेड है, शादी नहीं हो रही है, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मनुष्य शरीर है तो रोग भी आएंगे, मनुष्य जीवन है तो समस्याएं भी आएंगी, लेकिन उसका कोई ना कोई समाधान हो सकता है। समाधान सस्ता और महंगा ये दूसरी चीज़ है, लेकिन समाधान हो सकता है, और सबसे पहले समाधान ही होना चाहिए। तो आप अपनी समस्याओं को हमारे तक पहुँचाइए, हम आप तक आपका समाधान पहुँचाएंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, कि जो आपके पास आज है वो कल किसी और के पास में था और परसों किसी और के पास में हो सकता है। तो आज को हमेशा आप जिए, आज को हमेशा आप उल्लास के साथ में जिए, और जो आज है उस पर गर्व करें, उस पर खुशी रहें। नमस्कार।